अभी तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि पुलिस किस तरह हथियारों के सरगनाओं के साथ हथियार तस्करी को अंजाम देते हैं, लेकिन हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी ही हरकत से जो न केवल अवैध हथियार तस्करी मामले से जुड़ी है, बल्कि कोरोना महामारी के वॉरियर्स बनकर जान देने वाले पुलिस विभाग को बदनाम करने वाले एक प्रधान आरक्षक रोहित यादव की है। एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि यादव के पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्टल और 3 देसी कट्टे जब्त किए। कुल 8 अवैध हथियार सहित 6 जिंदा कारतूस जब्त किए। आरोपी पुलिसकर्मी सिंगूर गांव के एक सिकलीगर से 40,000 रुपये में हथियार खरीदते थे। आरोपी सिकलीगर फरार हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी रोहित यादव हरदा जिले के DRP लाइन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पुलिसकर्मी के तार किसी न किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क से जुड़े हैं। लॉकडाउन की चेकिंग के दौरान भीकनगांव थाना पुलिस ने सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़ा है। इस दौरान आरोपी रोहित यादव ने भागने का काफ़ी प्रयास किया। पुलिस में झड़प भी हुई, लेकिन भीकनगांव पुलिस ने आरोपी घेराबंदी कर धर दबोचा है। पुलिस अब आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भीकनगांव पुलिस ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये पूरा विषय क्या रहा? लॉकडाउन की चेकिंग ड्यूटी के दौरान भीकनगांव थाना अंतर्गत जो बमनाला चौकी है, वहाँ पर ये सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो घूम रहा है और उसको किसी व्यक्ति से हथियारों की डिलीवरी के लिए वो प्रयास कर रहा है। सूचना पर जब पुलिस जो मोबाइल थी हमारी 100 डायल थी, उनके द्वारा जो है तलाश की गई, तो बमनाला से सिगनूर के रास्ते पे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो है आता हुआ दिखा। जब उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से उसको जो है पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 देशी फायर आर्म्स बरामद किए गए और इसके साथ ही उसके बैग में 6 कॉटेज भी मिले, जिसकी जब्ती की गई। जब्ती करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो हरदा ज़िले में जो है वो पुलिसकर्मी के रूप में पदस्थ है, और बाद उसने जिस व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदना बताया है उसकी तलाश की गई, जो मौके से भाग चुका था उसकी तलाश की जा रही है। FIR की जाकर अभी प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। सर, हरदा पुलिस की DRP लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर ये व्यक्ति पदस्थ है, शासकीय अमला इसको किस रूप में देखेगा? ये वहाँ पर जो इसका ड्यूटी रेस्ट होता है उसके दौरान जो गैप होता है, गैप का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ तक आना पाया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारी टीम हरदा जाएगी उसमें उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि ये किस तरह से है। सर, आरोपी ने ऐसा बताया कि पूरों भी यहाँ से खरीदे करीब? नहीं, अभी पूछताछ नहीं की गई है, अभी तो FIR की गई है। पूछताछ के लिए पृथक से समय लिया जा रहा है। सर, भीकनगांव पुलिस के साथ झूमाझटकी की बात भी सामने आ रही है कि आरोपी नहीं, यह कहना गलत है। किसी उसने भागने का प्रयास किया था, भागने के दौरान जो है उसको जो है धरपकड़ की गई। क्षेत्र में सिंगुल सकरगांव ऐसा एक गांव है या क्षेत्र है जहां पर हर 2-3 महीने बाद कट्टों की, देसी कट्टों की और हथियार की बरामदी होती है। पुलिस एक मुहिम क्यों वहां पे चलाती है या वहां पे बड़े स्तर पे पकड़े जाए? पुलिस की मुहिम तो गत कई वर्षों से चलती रही है और अभी भी चल रही है। लॉकडाउन के दौरान तो हम लोगों की बहुत कड़ी व्यवस्था है, जिसका परिणाम ये रहा कि वो जो है राउंड अप हो पाया है, और ये मुहिम के कारण ही जो है उनका जो अवैध व्यापार है काफ़ी लुका छिपी के रूप में करते हैं, इसके अलावा बाकी नहीं। सर, राज्य शासन की तरफ से जो आदेश हैं जिसमें किसी भी जिले का पदाधिकारी अन्य जिले में पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई है, इसके अंतर्गत इसके ऊपर कोई कार्रवाई है? FIR से बड़ी क्या कार्रवाई है? FIR के अलावा जो प्रशासनिक इकाई है वो अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। हम यहाँ से उसके अपराध की और उसकी गतिविधि की सूचना दे रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल, खरगोन जिले में लंबे समय से अवैध तस्करी का और अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है, क्या पुलिस ने कभी इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए हैं? गत कई वर्षों से उनको उद्योग धंधों में
जोड़ने के लिए, उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए और अन्य व्यवसाय करने के लिए उनको लगातार प्रयास किए गए हैं और लगातार उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कतिपय कुछ लोगों को सुधरने में बहुत समय लगता है, इसलिए कतिपय लोग कर रहे हैं, बाकी कई लोग जो है मुख्य धारा में जुड़े हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरियाँ भी कर रहे हैं, बाहर भी हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सुधार नहीं हुआ है। सर, जानकारी मिली कि आरोपी पुलिस की वर्दी में था और इस कारण दूसरे जिले से इस जिले में आसानी से आ पाए? नहीं, अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर उसको जो है नाकों पर जाने की वो मिली छूट, किंतु हमारे द्वारा उसको रोक के पकड़ा गया। सर, वर्दी में ही पकड़ा गया? नहीं, अभी तो हम लोगों ने उसको सिविल में पकड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।